हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। आज का हमारा सब्जेक्ट है एक्चुअली जॉब कैसे ढूंढना चाहिए। बहुत सारे बंदे मुझे रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जॉब कैसे ढूंढना है दुबई में, इंडिया से। तो आज हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, आसान आसान से कुछ तरीके होते हैं को सिर्फ फॉलो करने आपको। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल हम लोग इंडिया के 11:30 बजे यूट्यूब लाइव पे मिल रहे हैं। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग होगा, आपके कुछ डाउट्स होंगे क्लियर कर लो। कल मुझे छुट्टी होती है तो कल मैंने सोचा है कि आपके बहुत सारे बंदे हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो शर्माते हैं। कई कई बंदों को लगता है कि मतलब कंटिन्यूस क्वेश्चन कैसे पूछना है, मतलब अच्छा नहीं लगता है किसी को कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन। मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया है कि आप सबके लोगों की हेल्प हो जाए, आपके डाउट्स होते हैं इंडिया में बैठ के, आपके कंट्री में बैठ के, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कल हम लोग मिल रहे हैं 11:30 बजे। मैंने कल उसकी पोस्ट भी करी थी और देख लीजिए 11:30 बजे मैं यूट्यूब लाइव पे ऑनलाइन आ जाऊँगा। आप चैटिंग पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर दे दूंगा ऑन द स्पॉट लाइव, ठीक है। चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों कि दुबई में कौन सा जॉब ढूंढा जाए। अभी ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि ये अकाउंटेंट, आईटी, सेल्स गर्ल्स, एचआर, अकाउंट, मतलब ये किसी के लिए नहीं, ये सबके लिए लागू होता है, ठीक है। अभी आप कौन से भी पोजीशन के बंदे हो, ठीक है, आपको फर्स्ट क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका पासपोर्ट पहले रेडी होना चाहिए दोस्तों। दुबई में काम करना है ना आपको, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए। पैसा नहीं है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पासपोर्ट और काम करने की, हार्डवर्क करने का, मतलब हार्डवर्क करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते हो, आपको काम की ज़रूरत नहीं है, तो आप दुबई मत आओ, ठीक है। जैसे भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप अगर दुबई का नाम सोच कर यहाँ पे आ रहे हो तो मत आओ, यहाँ पे काम के लिए ही आना है, ओके। चलो स्टार्ट करते टॉपिक को। तो क्या करना है आपको, पासपोर्ट CV आपका रेडी रखना है। जैसे मैंने अभी मैंने पासपोर्ट के बारे में बताया, बहुत से लोगों को मैंने फॉर्मेट भी भेजी है, उस फॉर्मेट में बनाइए। CV कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, एक या दो पेजेस हार्डली बनाइए। कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है कि आपका CV बुक की तरह पड़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस इसका है, आपको क्या आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस लास्ट 2 और 3 डालिए, वो भी शॉर्ट में डालिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या काम कर सकते हो वो भी डालिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 पेजेस का बनाइए, 2 से ज़्यादा मत बनाइए। कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं होता है किसी का भी CV पढ़ूँ या उसको देख लूँ, ठीक है। 1 या 2 पेजेस का होता है, उतना ही बनाइए। कवर लेटर पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, CV पर ध्यान दीजिए। मुझे बहुत सारे बंदे पूछते हैं कवर लेटर, ये सब हमारे कंट्री में होता है ऐसा, कवर लेटर अच्छे से बनाओ, यहाँ पे टैलेंट देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। ओके, चलो जॉब कैसे ढूंढनी है इस पर शुरू करते हैं। तो आपको जैसे मैं पहले बताया था कि आपको टारगेट करना है कि आपको काम कहाँ पे करना है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ओके। कुछ नहीं, आसान है, बहुत आसान है, रिप्लाई भी आ जाएगा। बहुत सारे बंदे मुझको बोलते हैं कि सर रिप्लाई नहीं आता है। अरे कैसे नहीं आता, आप गलतियाँ करते होंगे ना, आप गलतियाँ सुधारो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। बहुत मतलब ये क्या ऐसा इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है कि आपको रिप्लाई ही नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ये कहाँ, चलो मैं सोच रहा था कनाडा में जॉब अप्लाई करे हो तो वहाँ से तो ठीक है, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, मगर ओके, हम सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, ठीक है। आप अभी एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, कुछ भी आप करते हो, आप वो अकाउंटेंट, कोई भी, हाँ ये सबके लिए वीडियो है, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल में ऐसा नहीं डालना है कि अकाउंटेंट जॉब इन दुबई, तो ये वो क्या करेगा, वो रिक्रूटर साइट्स होती है ना, वो दिखाएगा,
ओके, जो पैसे मांगती है उसमें नहीं जाना है आपको डायरेक्ट कंपनी ढूंढनी है। कंपनी, समझ रहे हो मेरी बात? आपको रिक्रूटर साइट नहीं देखनी। अभी ये इंडिया में है naukri.com, ये दूसरा कुछ गल्फ monster.com, ये लोग पैसे मांगते हैं यार। किसके पास पैसे है? मुझे तो इतनी चिढ़ आती है ना, ये लोग पैसे मांगते हैं यार। इतने पैसे होते तो आदमी जॉब क्यों ढूंढता है? सीधी सी बात है, मुझे भी कॉल आता है, अभी भी कॉल आता है दुबई में, वो कर भी, सर आपको दुबई में अच्छा वो जॉब मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, आपको $300 $400 करने, नहीं करने मुझको, जाओ। मैं तो ऐसे डायरेक्टली बात करता हूँ। जॉब के लिए अगर कोई कहाँ पे भी जॉब के लिए पैसा नहीं होता है दोस्तों, ये लोग आपके भावनों के साथ खेलते हैं, आपकी नीड को, उनको पहचान है कि आपको नीड है जॉब की, तो आपके साथ खेलते हैं ये लोग। तो हाँ, तो आपको ढूंढना है, कंपनी ढूंढनी है, कंपनी, समझ रहे हो मेरी बात? आपको जॉब अगर डालोगे जॉब्स इन दुबई, तो वो रिक्रूटर साइट आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है? रिक्रूटर साइट पे मत जाओ अभी, अभी वो स्किप कर दो उसको थोड़ा दिन। आपको डायरेक्टली कंपनी ढूंढनी है, ओके? कोई भी काम हो ना आपका, तो अभी सारे बंदों को तो ये पता होता है कि कौन सी कंपनी में हमारा जॉब होता है, ठीक है? अगर आईटी वाला बंदा है तो वो सॉफ्टवेयर की कंपनी ढूंढेगा, तो आईटी वाला बंदा अगर है सॉफ्टवेयर वाला, तो उसे क्या करना है, गूगल में जाके सॉफ्टवेयर कंपनी इन दुबई, सॉफ्टवेयर कंपनी अबू धाबी, ये सर्च करना है। तो जितने सारी वेबसाइट आती है उसको आप लिख के ले लो, उसका ईमेल एड्रेस, करियर, जो भी कुछ भी है सब, ऐसी एक लिस्ट बनाओ 100 200 ईमेल की, और स्लॉट बाय स्लॉट आपका ईमेल वहाँ पे भेज दो। गूगल जीमेल से आप शायद 100 ईमेल नहीं भेज सकते हो, कुछ तो लिमिट होता है, तो क्या करो 25 25 का स्लॉट बनाइए और आपका ईमेल वहाँ पे भेज दीजिए। मगर परफेक्ट सीवी होना चाहिए। आप अगर उसमें गलतियाँ करते हो, अभी भी मुझको 70% सीवी आते हैं उसमें गलतियाँ होती है। अभी इतना टाइम भी नहीं है दोस्तों मेरे पास कि हर एक बंदे को मैं रिप्लाई दे दूँ, हर एक बंदे को मैं ईमेल पे रिप्लाई दे दूँ और बोल दूँ कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। आप जान लो, खुद भी थोड़ा सा ट्राई करो। मैं आपको तालाब तक ले जाऊंगा, पानी आपको ही पीना है, ठीक है? मैं तालाब तक का रास्ता बता रहा हूँ आपको, किधर जाओ, आगे जाओ, राइट मारो। आप हिल ही नहीं रहे तो ये तो बहुत बड़ा हो गया प्रॉब्लम, ठीक है? फिर से ध्यान से सोचो, आपको कंपनियां ढूंढनी है डायरेक्टली, ओके? इससे क्या होगा दोस्तों कि कंपनियां, आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करते हो, बीच में कोई एजेंट नहीं होगा, कोई रिक्रूटर कंपनी नहीं होगी, थर्ड पार्टी नहीं होगी बीच में, आपको डायरेक्टली कंपनी टारगेट करनी है। आप अगर अभी मैं बताता हूँ कि कारपेंटर हो आप अकाउंटेंट हो, एचआर हो, जो भी कुछ आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लॉजिस्टिक में काम करते हो, तो आपको ढूंढना है कि वो कंपनी यहाँ पे कौन सी है दुबई में। अभी गूगल ने इतना प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आप इंडिया नहीं, आप चांद से भी वो एक्सेस कर सकते कि कौन सी कंपनी कहाँ पे है। वो जी मैप, गूगल मैप में आप देख भी सकते हो उस कंपनी के बारे में, ठीक है? तो आपको वो कंपनियाँ टारगेट करनी है, उसकी लिस्ट बनाओ। आप अगर फ्री हो, आपको रियली जॉब की नीड है, तो आप उसकी कंपनी की लिस्ट बनाओ, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर आपके पास डायरी में लिख लो सब। आपको क्या करना है, उसको ईमेल भेजना है, उसका रिप्लाई आता है तो उसको टिक कर दो कि ये कंपनी से मुझको रिप्लाई आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अगर 100 कंपनियों को ईमेल भेजा है तो एक दो कंपनियों से आपको रिप्लाई आना ही आना है। इससे अगली बात भी बताता हूँ, आपके मोबाइल में थोड़ा सा बैलेंस डाल लो, कंपनियों में उसका नंबर भी होता है, कॉल डायरेक्टली, आप जैसे मुझे कॉल करना चाहते हो कंपनी को डायरेक्टली कॉल करो, सर मैंने आपके यहाँ पे सीवी अपलोड कर दी है ये जॉब के लिए, कैन यू गिव मी अपडेट्स रिगार्डिंग सेम, बात करिए उनसे, कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे आना है, डरिए मत, करिए डायरेक्टली बात उनसे, ठीक है? क्या होगा, आपने 100 भेजा ना, आपको 100% मैं बोल रहा हूँ 5 कंपनियों की रिप्लाई आ जाएगी। इससे क्या होगा, स्टार्ट होगा, आपको मोटिवेट मिलेगा, पीछे से पावर मिलेगा कि यार मिल रहा है कुछ तो, रिप्लाई मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि एक रिप्लाई मिल गया आ जाओ तो भाई, इससे आपको क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रोसेस क्या होता है,
ये पता चले, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, चार पांच कंपनियां हाथ में रखनी है, मतलब एक कंपनी दो कंपनी चार पांच कंपनी हाथ में रख के आप लिस्ट बना सकते हो, और फिर सैलरी जिसको ज़्यादा है वहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हो दोस्त। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो आपको मुझे बताने थे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चलो बाय बाय। आपको कोई भी कमेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं रिप्लाई दूंगा। ईमेल भी है मेरा वहाँ पे, ईमेल पे भी बात कर सकते हो। और कल हम मिलेंगे 11:30 बजे, चलो ठीक है, बाय बाय।